अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं न्यूज एक्सप्रेस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल 2022 को आसाम का दौरा करने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अमन, एकता और विकास रैली से खिताब करेंगे। नीस रियासत में तालीम के शोबे में कई इकदाम और अमृत सरोवर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कैंसर के 7 अस्पतालों को फंड के नाम वक्फ करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को एम्स नर्सेस यूनियन से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसके मेंबरान फौरी तौर पर अपने फराइज में दोबारा शामिल हुआ, जिसके बाद यूनियन ने अपनी गैर मुइना हड़ताल खत्म कर दी। मरकजी हुकूमत की तरफ से मुल्क में एकसा सिविल कोड को नाफिज करने की तैयारियों के दरमियान मुस्लिम पसंदा बोर्ड यानी AIMPLB का बड़ा बयान सामने आया है। बोर्ड ने इसकी मुखालिफत की है और इसे आइन और अकलियतों के खिलाफ करार दिया। ये भी कहा गया है कि हुकूमत आवाम की तवज्जो महंगाई, मईशत और बढ़ती हुई बेरोजगारी से हटाने के लिए ये राग अलाप रही है। बुध की सुबह तमिलनाडु के थानजावर जिले के एक मंदिर में रथ यात्रा के जुलूस के दौरान कम से कम 11 पर बिजली से हलाक हो गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया है कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लोग मंदिर के रथ यात्रा पर खड़े थे, जब रथ यात्रा कालीमुडु के बालाई मंदिर में एक हाई ट्रांसमिशन लाइन से रास्ते में आ गई। मध्य प्रदेश के सबक वजी अला और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर तशद के संगीन इल्जाम लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग खुद कुछ गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाते हैं। तहम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ऐसे हकायक की जाएगी। रमजान मुबारक के मौके पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है। रमजान मुबारक के कौमी एकजहती आपसी भाईचारा, रवादारी और गंगा जमुना तहजीब को फरोग देने के लिए मुल्क में इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया जाता है, जिसमें कई मजाहिब के लोग शामिल होते हैं। कोरोना वायरस के ताप की वजह से आज़मीन हज गुज़िश्ता 2 सालों से सफर की सआदत से महरूम थे। अब हालात के मामूल पर आने के बाद सऊदी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर की शरायत के साथ आलमी सतह पर 10 लाख आज़मीन हज को सफर हज की इजाज़त दी है। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को 79,200 आज़मीन हज का कोटा फराहम किया है। हज के मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल की बिना पर मरकजी हज कमेटी को 1 लाख से कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तदाद तकरीबन 93,000 है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर उस वक्त के डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन विनय पांडे को मंगल को ड्यूटी में लापरवाही के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया था। वजीर आला के दफ्तर ने ट्वीट करके इत्तला दी। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में एक बार फिर इजाफा हुआ है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 2,927 नए केसेज सामने आए हैं। इस दौरान 32 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही फाल मरीजों की तादाद 16,279 हो गई है। मुल्क में कोरोना मामलों में रोज बरोज तेजी से इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में कई मरकजी वज़रा भी शामिल होंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।